नमस्कार दोस्तों, अनन्यास कॉर्नर में आप सभी का स्वागत है। ये समर का सीजन है और समर में ढेरों काम रहते हैं हमारे गार्डन में। क्या आपने किया? देखिए, ये मार्च का महीना है, अब तो ये आज है 7 तारीख, और अगर आपने अभी तक नहीं किया है तो कर लीजिए। ये टाइम बार बार आपके हाथ में नहीं आएगा। फिर ये कड़ी धूप वाली सीजन आ रही है तो आपको ढेरों काम करने हैं गार्डन में। देखिए, मैं डेली बेसिस में भी काम कर रही हूँ, सोचा आप लोग को भी दिखा दूँ, क्योंकि गार्डनिंग ही मेरा मेन थीम रहता है। मैं जितना भी करती हूँ आप लोग से मैं शेयर करती रहती हूँ। तो मैं अभी इस समय प्रूनिंग कर रही हूँ। प्रूनिंग तो आपको करना है, हार्ड प्रूनिंग करें, आप थोड़ा सॉफ्ट प्रूनिंग करें, लेकिन आपको प्रूनिंग करना ही पड़ेगा। ये हिबिस्कस का प्लांट आपको दिख रहा है, ऐसे ही हिबिस्कस एकदम लेगीस हो गया। देखिए, मैंने हार्ड प्रूनिंग कर दी है, कुछ कुछ मैंने सॉफ्ट प्रूनिंग भी की है, जैसा भी ज़रूरत है। और ये दो औजार बहुत काम किया है, एक तो खुरपी और एक प्रूनर, जिसके सहारे ही हम काम करने वाले हैं। तो ये आपके पास होना बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है, बहुत ही एसेंशियल औजार है हमारे लिए। तो इधर गुड़ाई भी मैं कर रही हूँ। गुड़ाई आपको लगातार हर पौधे में ही करनी पड़ेगी। आपके पेरेनियल प्लांट है तो उसमें तो आपको ज़रूरत से ज़्यादा करनी पड़ेगी इस समय गुड़ाई, और जितने भी ड्राई लीव्स है उसे आप संजो के रख दें, क्योंकि ये फिर अप्रैल से आपको काम आने वाली है मल्चिंग के लिए। जो मैं हर बार मल्चिंग करती हूँ मेरे पौधे में, जो मेरी स्पेशली मैं जेरबेरा में मल्चिंग करती हूँ, कभी कभी मैं हिबिस्कस में भी कर देती हूँ, कंचन के फ्लावर में, मोगरा के फ्लावर में, जो मेरे धूप के एरिया में पड़ता है जो प्लांट्स, मैं उसे मल्चिंग करती रहती हूँ। तो ओके, तो पहले तो हम प्रूनिंग करेंगे, हार्ड प्रूनिंग, सॉफ्ट प्रूनिंग, उसके बाद सभी प्लांट्सों की मैं गुड़ाई करूँगी, और साथ साथ आपको भी मैं बतलाती जाऊँगी, क्योंकि गुड़ाई मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग है। तो इस तरह से गुड़ाई तो ज़रूरी होता है, और साथ अगर कुछ आपको लगे कुछ कटिंग लगाने की तो आप कर लगा दीजिए। तो ऐसे ही प्लांट्स बढ़ते रहेंगे, नहीं लगाएंगे तो वो बढ़ेंगे भी नहीं। तो इस तरह से मैंने गुड़ाई कर दी, और देखिए जितने भी ड्राई प्लांट्स हैं, मैंने कुछ महीने पहले यहाँ पे जो डोरंडा के पौधे लगाए थे, कुछ में तो बहुत अच्छे पत्ते निकल आए हैं। तो मेरा बेड तो एकदम बेजान सा हो गया है, अभी तो अच्छा नहीं हुआ है ना, नया बेड है ना मेरा ये। तो देखिए, मैं यहाँ से एक डोरंडा का ब्रांच में कट कर लिया और यहाँ पे लगा रही हूँ, क्योंकि ये छाँव का जगह है, और अभी यहाँ पर डेली मैं पानी दे रही हूँ, क्योंकि मिट्टी सूख जाती है तो ये प्लांट्स 100% लग जाएंगे। आप भी लगा सकते हैं इस तरह से। तो छोटे मोटे पौधे भी आप लगाते रहिए छाँव वाले एरिया में, ज़्यादा धूप वाली कड़क वाली जो धूप पड़ती है वहाँ पर आप प्लांट अभी मत लगाइए। आपको शिफ्टिंग करनी है तो आप इवनिंग में शिफ्ट कर सकते हैं, ज़रूर लगाइए जब आपके रूट निकल आए। और देखिए, इधर जरबेरा मेरे तो बहुत अच्छे से खिल रहा है, आगे मेरी जरबेरा की वीडियो आने वाली है, मैं आप लोगों से शेयर करूंगी। और सारे प्लांटों को मैं गुड़ाई कर रही हूँ, और साथ साथ आपको विंटर फ्लावरिंग प्लांट के सीड भी कलेक्ट कर लेनी है। मैं कुछ कुछ कलेक्ट कर चुकी हूँ, और ये मोगरा है जो समर में ही फ्लावर होने वाली है इसमें, तो इसकी प्रूनिंग मैं की हूँ, और भी मुझे करनी है इसकी प्रूनिंग, हार्ड प्रूनिंग करनी है। बहुत सारे मोगरा के प्लांट है, हार्ड प्रूनिंग करूँगी, फिर मैं खाद दूंगी, गुड़ाई करने के बाद मैं खाद भी दूंगी, और पानी तो अभी डेली बेसिस में मांगता है हमारा गार्डन, उसे पानी खूब चाहिए। दो टाइम आपको पानी मिल देनी ही पड़ेगी, नहीं तो एकदम ड्राई हो जाता है। मैं जितना बन पड़ता है देखती हूँ, साथ साथ आपको जितने भी सूखे लीव्स मिलेंगे, क्योंकि ये डॉर्मेंसी पीरियड में चले गए थे विंटर में, देखिए डॉर्मेंसी में चले गए थे, तो आपको ज़रूरत है जितने भी सूखे लीव्स, सभी प्लांट्स की मैं बोल रही हूँ, तो आपको लेकिन केयर करनी है। तो सूखे लीव्स आप हटा दें, इसको आप ज़रूर संजो के रख दें, जैसे मैंने पहले ही कहा, मैं उसे फेंकूंगी नहीं, जलाऊंगी नहीं, मैं एक जगह कलेक्ट करती रहूंगी। ओके, नेक्स्ट मंथ में हम मल्चिंग करेंगे, अभी मल्चिंग करने की उतना ज़रूरत नहीं है, ये मार्च का महीना है। तो जितने भी सूखे पत्तियाँ, डंठल, जो भी आपको मिले, आप एक जगह, या तो आपके पास बड़ा सा बोरा है, बस्ता है, आप उसमें कलेक्ट करते रहिए, या तो मिट्टी में गड्ढा बना के भी आप कंपोस्ट बना सकते हैं। इधर जितने भी प्लांटर में आपके प्लांट्स हैं उसे भी गुड़ाई कर ले, और उन पत्तों को भी देखना है जो जल जाते हैं, क्योंकि ये टेरेस में रहते हैं तो ये बहुत जल्दी जल जाते हैं, तो उस समय आपको इस प्लांटों की देखभाल करने की ज़रूरत है, क्योंकि ये प्लांटर में रहता है और कड़ी धूप में अगर रहेंगे तो पत्ते तो ऑटोमेटिकली जल जाएंगे। तो आप इस तरह के प्लांट्स जितने भी हैं, एग्लोनीमा, कोलियस, जितने भी ब्यूटीफुल प्लांट्स, पत्तों की प्लांट्स हैं, तो उसे आप छाया वाली प्लांट्स जगह में रखिए, या तो शेडी एरिया में रखिए, आपके पास जो भी जगह बनता है, आप हल्की धूप वाली जो जगह होती है, एक दो घंटा धूप पड़ती है, बस आपको प्लांटर को वहाँ शिफ्ट कर देना है। जो हमारा
प्लांटर में रहता है और साल भर हम उसे धूप दिखाते हैं, लेकिन अभी गर्मी का मौसम आ गया है, इसे हटा के रखिए। और गुड़ाई करने के बाद खाद एक बार ज़रूर दे दीजिए, आप कंपोस्ट दीजिए, गोबर की खाद दीजिए, जो भी हो। मैं ज़्यादातर इसी तरह की खाद यूज़ करती हूँ, केमिकल थोड़ा कम ही करती हूँ, आपने देखा भी है। तो इस तरह से आप यूज़ कीजिए, आपके प्लांट्स बेहतर रहेंगे, समर के लिए आपका गार्डन तैयार हो जाएगा। आप जहाँ भी थोड़ी सी भी बेल्कोनी है, टेरेस है, जो भी जगह आपका बन पड़ता है, आप ज़रूर इस तरह से केयर कीजिए, आपको अच्छा होगा, आपके सभी प्लांट्स में जान भी आ जाएगी। तो जितने भी अनवांटेड प्लांट्स हैं मैं हटाती जा रही हूँ, और गुड़ाई और खाद, आप इस समय लिक्विड फर्टिलाइज़र भी दे सकते हैं, जो हमारा कंपोस्ट का बना के, सरसों की खली का या गोबर की खाद का, जो भी आपके पास है आप ज़रूर एक बार दे दीजिए। और पानी, अगर मिट्टी ऊपरी सतह सूखी है तो देने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन जैसे ही उंगली दब जाए, सूखी मिले, आप ज़रूर पानी भी देते रहे। तो इस तरह से केयर ज़रूर कीजिए, और मैं भी अभी इसी तरह से डेली बेसिस से फॉलो कर रही हूँ, अपने गार्डन की देखभाल कर रही हूँ। तो दोस्तों, वीडियो कैसा लगा जरूर बताइएगा, और मेरे साथ मिलते रहिएगा, कॉमेंट कीजिएगा, फिर एक नए वीडियो में मिलती हूँ। तब तक के लिए नमस्कार।